मेरे सामने बैठी हुई हमारे कल रोल ओवर कंटेस्टेंट, इनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स रियली ऑनर टू परफॉर्म फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कैन वी सी द वीडियो प्लीज। बड़े बड़े मंदिर हो या मंदिर में बैठा पुजारी या उसी मंदिर में बैठा बाहर भिखारी, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो या उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर या उसी हॉस्पिटल में बिकने वाली दवाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ट्रक हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो या उसी गाड़ियों में डलने वाला तेल, गैस का सिलेंडर हो या उसी गैस में भरा जाने वाला गैस या उसी को सप्लाई करने वाला पाइप या उसी में जलाने वाला चूल्हा या उसी में जलने वाले बर्तन या उसी से पका हुआ खाना खाने वाला थाल, छोटी से छोटी चीजें, हमारे तन पे कपड़े हो या पैरों पे चप्पल, बाल काटने वाला नाई हो या जूते सिलाने वाला मोची या चना चटपटे बेचने वाला कोई भैया हो या कबाड़ा उठाने वाला कोई बिहारी, अगर हर नेपाली दिन में कम से कम 500 रुपए तो इंडियन या इंडियन प्रोडक्ट पे खर्च करता ही करता है, कम ऑन अगेन, महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, हर रोज प्रत्येक नेपाली 500 रुपए सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट पे खर्च करता है मिनिमम, और 500 रुपए इंटू 3 करोड़ जोड़ लो आप, 1500 करोड़ रुपए हर रोज नेपाल से इंडिया एक्सपोर्ट होता है, और आप कहते हो कि तुम्हारे पास है क्या, तुम गरीब हो। वाह क्या बात है, बहुत खुश। इस मंच के माध्यम से मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप और आपका परिवार भी इस बारे में विचार करें। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएट। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा नवा प्रश्न, ठीक है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000। ठीक है, तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस देश की संसद ने 2020 में अपने देश का एक नया नक्शा स्वीकृत किया जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा इन जगहों को भी शामिल किया गया था। विच कंट्रीज पार्लियामेंट इन द ईयर 2020 अप्रूव्ड अ न्यू मैप ऑफ देयर कंट्री शोइंग द इंडियन टेरिटरीज ऑफ लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियादुरा एज पार्ट ऑफ इट। ऑप्शन सुनिए, ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी चाइना। ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह गलत ही नहीं, बकवास है सर, ये सिर्फ भ्रम पैदा करता है। आपको किसने बता दिया है कि लिम्पियादुरा, लिपुलेख या कालापानी भारत का हिस्सा था? समाचार पत्रों में भी था, इसकी चर्चा हुई थी। समाचार? सर आपको क्या लगता है, न्यूज में जो दिखाया जाता है वो पूरी तरह सच होता है? वो भी वो न्यूज जो आपके देश की गोदी मीडिया बनाती है? पूरा विश्व जानता है सर आपके देश की गोदी मीडिया की गंदी गंदी हरकत है। वो लोग टीआरपी के लिए अपनी माँ बहन का बलात्कार करके उनकी भी न्यूज दिखा देंगे, और आप बात करते हैं समाचारों में आया था। प्लीज सर, ये क्वेश्चन टोटली गलत है, इसको बदल दीजिए। मैं इसका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और सबको बताना पड़ेगा जो भी, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। जब क्वेश्चन ही गलत है तो आप क्या इसका उत्तर बताएंगे जनता को? ये सिर्फ भ्रम पैदा करेंगे। यू नो मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फेरबदल की जरूरत है। इफ यू डोंट माइंड लेट मी करेक्ट। एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए था कि किस देश की संसद ने सन 2019 में एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें नेपाल की कुछ जगह लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल किया था। विच कंट्री गवर्नमेंट इन 2019 रिप्रेजेंट अ न्यू मैप ऑफ देयर कंट्री शोइंग द नेपाल टेरिटरीज ऑफ लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियादुरा एस ए पार्ट ऑफ इट? और उनके ऑप्शन होना चाहिए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम देश। एक्चुअली सवाल और भी है, सवाल ये होना चाहिए था कि वो कौन सा देश है जिसने नेपाल जैसे छोटे से देश की इतनी जगह हड़प रखी है, कब्जा कर रखा है, जिसमें संसार के छोटे मोटे 45 देश समा सकते हैं, और उनके आंसर वही सेम होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन से देश की मीडिया है
जो हर समय ये देखते रहती है कि नेपाल कब उठता है, कब खाता है, कब सोता है, कब हकता है, कब पाकता है, और उनके आंसर और ऑप्शन फिर वही सेम होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन से देश की मीडिया है जिससे सिर्फ बाहर की ही नहीं अपने देश की जनता भी परेशान है। आंसर और ऑप्शन सेम वही। यू नो मिस्टर अमिताभ बच्चन, अगर इस सवाल को आपकी कोई गोदी मीडिया करती या फिर आपके कोई बिकाऊ पॉलिटिशियन करते ना, तो शायद हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते, क्योंकि हम लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन आप जैसे सज्जन व्यक्ति जिसकी हम नेपाली बहुत इज्जत करते हैं, बहुत से नेपालियों के आप आइडल भी होंगे, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, इसलिए आप जैसे व्यक्ति से इस तरह की घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, आप एक एंकर हैं, चैनल वालों ने आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दी और आप उसको पढ़ने लगे। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप जो बोलते हैं वो एक पत्थर की लकीर जैसी हो जाती है, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है, लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं। सो ऐसे शो में ऐसी कोई भी क्वेश्चंस पूछने से पहले उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च आपको करना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेवारी भी है कि लोगों तक गलत मैसेज ना जाए। सो आई एम सॉरी मिस्टर अमिताभ बच्चन, आपका एक क्वेश्चंस गलत है, सो मैं इस शो में भाग नहीं ले सकता। शायद एक बार फिर से मुझ पर भारतीय विरोधी होने का टैग लग जाएगा, लेकिन अपने देश अपनी जन्मभूमि से प्यार करने का मतलब भारतीय विरोधी होना है, तो हूँ मैं भारतीय विरोधी हूँ। अगर अपने देश का समर्थन करने से जहाँ पे वो सही है मैं भारतीय विरोधी बन जाता हूँ, तो हूँ मैं 100 बार भारतीय विरोधी बनना पसंद करूँगा। अगर कोई मेरे देश के खिलाफ बोलता है गलत बात है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने से मैं भारतीय विरोधी कहलाता हूँ, तो मैं 1000 बार भारतीय विरोधी कहलाना पसंद करूँगा। और जब भी कोई मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, गलत बातें बोलेगा, भ्रम पैदा करेगा, मैं हर बार उसका विरोध करूँगा और मैं हर बार उसका विरोधी कहलाऊँगा, क्योंकि मेरा देश मेरा स्वाभिमान है। जय नेपाल।